हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको इसके पहले जो शॉर्ट नोट्स हैं उसका मैंने आपको वीडियो दिया। आई होप आप लोगों ने वो जो शॉर्ट नोट्स हैं बहुत शायद बहुत जल्दी जल्दी मैंने आप लोगों को चीज़ बताई। चलिए ठीक है, बाकी वो शॉर्ट नोट्स जितने भी हैं आप उसको एज़ पर हिज एक इंडिविजुअली बेस में टॉपिक लेके एक एक पेज रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो शायद है कि इसमें से कुछ भी यदि अपन को फंसता है तो अपन शायद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंस्टेंटली क्या होगा यदि क्वेश्चन पेपर आएगा। अभी हमें तो नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, एट अ टाइम उन्होंने बताया कि 3 जून को क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं, ठीक है। अब अभी भी नोटिस यही डाला है, नोटिफिकेशन यही आया है कि क्वेश्चन पेपर 7 दिन पहले ही डाउनलोड होंगे, ठीक है, 3 तारीख के पहले। तो देखते हैं, शायद है कि 28 या 29 तक, अभी तक तो मैंने चेक किया है क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड नहीं हुआ है, तो शायद है कि 28 से 29 को डाउनलोड होंगे, ठीक है। तो आप लोग वो शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि रेडी रहेगा तो शायद लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सबमिशंस भी उन्होंने काफ़ी समय में दिया हुआ है, सबमिशन के लिए भी काफ़ी टाइम है, लेकिन उस समय लिखने में दिक्कत नहीं होगी यदि आपका हर चीज़ रेडी रहेगा ना। तो बस इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग रेडी बस कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि रेडी रहेगा तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। रेडी रहेगा सारे क्वेश्चंस, शायद है कि उसमें कोई क्वेश्चंस आ जाए तो आप लोग उसी से लिख लीजिएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो वीडियो बना के दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ डिस्कशन मैंने आपको बोला था ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है कि बड़े वाले क्वेश्चन जो थोड़े ज़्यादा मार्क्स के आते हैं उसके लिए हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन कुछ रेडी किए हैं। ये आपका जो कंसेप्ट ऑफ जो पहला है क्वेश्चन जेंडर एंड सेक्स, ठीक है, इसमें ना केवल कंसेप्ट पूछा है। जो मैंने जेंडर और सेक्स का जो आपको पहला वीडियो दिया है पार्ट 1, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जेंडर और सेक्स का मैंने कंसेप्ट समझाया है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसमें भी नोट्स हैं, आप लोग उसको ले सकते हैं, वो नोट्स भी आप लिख लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोग पूरा अंत तक ही देखेंगे ना तभी आप नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जो जो भी मेरे से अपना हिंदी में जितना मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है तो आप लोग उसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देख सकते हैं रोल्स ऑफ फैमिलीज, ठीक है, रोल्स ऑफ फैमिलीज इन जेंडर सोशलाइजेशन। ये अभी अपन ने कुछ जो शॉर्ट नोट्स किए थे उसमें भी कुछ डिस्कशन किया था कि फैमिलीज़ का क्या रोल होता है। तो देखिए मेरे हिसाब से, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या बना सकते हैं, एक फैमिली का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और प्लीज़ वीडियोस जो भी मैं अगर आपको भेज रही हूँ आधा अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि नहीं तो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। यदि देख रहे हैं तो पूरा ही देखिएगा। तो थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें 100% तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जितना है ओवरऑल एज अ फ्रेंड मैं आपको जो भी मैंने समझा है वो आपको मैं समझा सकती हूँ, या थोड़ा बहुत शायद है कि अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं होगा क्या कोर्स है, क्या कोर्स कंटेंट है, कौन से क्वेश्चन हैं, तो एक अवेयर नहीं हुए हैं अभी। काफ़ी बच्चे हैं क्योंकि शॉप वगैरह भी बंद हैं, है ना, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने बुक्स भी नहीं हैं, ना ही कुछ जो हर बच्चे हर बार जो 20 सीरीज़ लेते हैं शायद, आई थिंक मैंने सुना है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। देखिए बुक्स बहुत ज़रूरी है, यदि बुक्स ही अगर आपको मिलती तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। बुक्स का अरेंजमेंट मैं भी अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरे ये कुछ अपने सोर्सेज है तो मैंने अपने किए हैं, ये इंटरनेट के थ्रू नहीं है, ये मत सोचिएगा कि इंटरनेट के थ्रू है, ठीक है। मेरे पास कुछ ओल्ड बुक्स हैं तो उससे मैंने कुछ अपना मटेरियल बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा आप। इस मेरे हिसाब से ये जो फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, इस क्वेश्चन के लिए हम बात करें रोल्स ऑफ फैमिली, ठीक है, फैमिली कितने टाइप की होती है तो हमें पता है, उसके बेसिस में देखें, बेसिस ऑफ साइज स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिस ऑफ मैरिज एंड बेसिस ऑफ सक्सेशन, ठीक है, कि बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर के देखें तो एक फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो लिख सकते हैं। न्यूक्लियर मतलब कि मतलब छोटी फैमिली, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जैसे जॉइंट फैमिली होती है ना, बड़ी फैमिली ये, ठीक है। अब बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज में हम देखें तो मोनोजामनियस, ठीक है, पॉलीजामनियस एंड आपके पॉलीडोनियस, ठीक है, ये आपके जो बेसिस ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंग भी फैमिलीज अलग अलग होती है, तो मतलब ये कि स्ट्रक्चर्स हैं। फिर है बेसिस ऑफ सक्सेशन, कि जैसे कि अभी अपन ने इसके पहले एक बोर्ड डिसाइड वो अभी अपन ने चेक किया था पैट्रियार्ची, ठीक है, फिर है आपके तो पैट्रियार्चल एंड मैट्रियार्चल,
ठीक है, तो ये आपके दो फैमिलीज, इस तरीके से फैमिलीज का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फैमिली का क्या नज़रिया है। जैसे पैट्रियार्ची का तो है, मैं आपको कि क्योंकि इसलिए क्योंकि पैट्रियार्ची क्यों सिस्टम समझा जाता है, क्योंकि जो सोशल सिस्टम होता है कि जिसमें कि जो परिवार का जो सदस्य जो मेन मुखिया होता है, उसको फादर मतलब जो फादर होता है वो मेन मुखिया होता है। ठीक है, तो हम ये कंसाइन कभी करते ही नहीं है कि मामा मतलब हेड हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर कहते हैं जैसे एज अ हम मतलब इस तरीके से अगर हम बात करें तो होम मिनिस्टर कहते हैं कई लोग अपनी मामा को, लेकिन क्या होता है जो समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं ना, समाज की जो मानसिकता होती है ना, उसके बेसिस में हम हर चीज़ को देखते हैं। हाँ, क्यों क्यों देखते हैं? क्योंकि हम शुरू से उस चीज़ों को देखते सुनते और समझते आ रहे हैं, बस इसलिए देखते हैं। ठीक है, तो फैमिलीज़ का क्या रोल है जेंडर सोशलाइजेशन में, कि एक अलग अलग सबका नज़रिया होता है। जैसे स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियर फैमिली में कैसा होगा, जॉइंट फैमिली में कैसा होगा, अगर मैरिज हो जाती है, मतलब जेंडर का कंसेप्ट के बेसिस में ही आपको आंसर देना है। यदि मैरिज हो जाती है तो एक मेल का क्या होता है, फिर मतलब कि हमारे समाज में किस प्रकार से मेल को कैसे ट्रीट करते हैं, फीमेल को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और जब वही जब समाज में जब हम देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर के बेसिस ऑफ मैंने आपको बताया था बेसिस ऑफ सक्सेशन, मतलब कि पैट्रियार्ची जिसमें कि एंड द मैट्रियार्ची कि पुरुष प्रधान और मातृ प्रधान, ठीक है, माता प्रधान, इस तरीके से मतलब जो हम आसपास देखते हैं तो एक क्या होता है डोमिनेट होती है सोसाइटी, क्या होती है डोमिनेट करती है। तो ओल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे में या लीगल वे में या हम शायद कल्चर वे में भी देखें तो इनका रोल है। मैट्रियार्ची का यदि हम बता सकते हैं तो सोशल सिस्टम में कि विच फीमेल्स होल्ड अ प्राइमरी पावर होती है, ठीक है, मेल के पास फीमेल के पास, ठीक है, प्राइमरी पावर होती है, सो प्री डोमिनेट इन रोल्स इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड जो मॉरल अथॉरिटी द सोशल प्रिविलेज कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेशल एक्सक्लूजन ऑफ मैन। ये क्या होती है कि मतलब यदि जहाँ अगर मातृत्व को मतलब प्राथमिकता दी जाती है तो वहाँ हम देखते हैं वो अपना रोल भी बहुत अच्छे से निभाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोसाइटी में किस तरीके से जेंडर को किस तरीके से बताया जा रहा है उसके कंसेप्ट को इसमें बताना है। फिर है आपका थर्ड कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ जेंडर एंड सेक्स। ये मैंने भी क्वेश्चन पहले ही दिया था, कंसेप्ट भी मैंने आपको दे चुकी हूँ और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको प्रियर करके दिए थे। यदि हम देख सकते हैं मैंने इस डेट को दिए थे कि उसके ऑब्जेक्टिव कि सभी का हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। कंसेप्ट तो आप लिख लेंगे कि जो जेंडर रिफर्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन डेट आर क्रिएटेड इन फैमिलीज एंड आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर, है ना। ये वाला जो आपका कंसेप्ट है ये मैंने पूरा टाइप करके आपको दिया है, वो आप लिख सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ये कि कौन कौन से एग्जैक्टिव कि इसका क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट हमें इनका डिसाइड करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि इनके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, इनके हमें कि जेंडर डायनेमिक्स एक टर्म होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं और सोशली कंस्ट्रक्ट कैसे होता है वो बताते हैं। फिर उसके बाद कि अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर रोल्स और जेंडर के अलग अलग टाइप के कितने रोल हैं, है ना। फिर जब रोल है तो हम जेंडर मैट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे, आइडेंटिटी बताएंगे उसकी कि एनालिसिस द जेंडर रिलैक्सेशन मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ जेंडर एंड वैल्यूएशन एंड डिस्क्राइब द जेंडर रोल्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, कोई भी चीज़ें किसी भी तरीके से पूछी जाती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, ठीक है, हम फीचर्स भी पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद नेचर फीचर्स एंड देन अलोंग विथ नेचर, ओके, इस तरीके से बात की जाती है ना, तो तब हम देख सकते हैं कि करेक्टर्स और फीचर्स जो यदि आपको इस तरीके से कोई चीज़ मिलती है तो वो एक ही है। आप फीचर्स में करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं क्योंकि घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर हम देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, ये टर्मिनोलॉजी एक बार देख लें कि जेंडर और सेक्स की हमने टर्मिनोलॉजी कितनी बताई थी, 1, 2 टर्मिनोलॉजी मैं काउंट करके बता देती हूँ। पहली थी जेंडर रोल्स, दूसरी थी जेंडर इक्वालिटी, तीसरी थी जेंडर इक्विटी, नेक्स्ट जेंडर अवेयरनेस, फिर थी जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर एनालिसिस, जेंडर मेन स्ट्रीम एंड जेंडर पैरिटी। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या थी,
बहुत सारी आपकी टर्मिनोलॉजी थी, तो मैंने टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बताई थी, उसको भी आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी है उसमें, आप लोग वो नोट्स पूरा प्रिपेयर करके लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो जब देखेंगे ना तभी समझ में आएगा और तभी लिखते बनेगा। तो जब आप उसको प्ले और पॉज करके प्लीज़ मत देखें, वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट, कि टीचर किस प्रकार से हमारे समाज में एक एजेंट का रोल कर रहे हैं। याद होगा कि अभी हमने जो शॉर्ट नोट्स बताए थे आपको, उसमें हमने एजेंट्स की बात की थी, है ना, जेंडर सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन कौन कौन से थे, फैमिलीज एंड स्कूल एंड पियर ग्रुप था, है ना। तो क्या होता है जो टीचर, मतलब यदि देखा जाए तो वो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से हर चीज़ों को बताना चाहिए, ठीक है। तो टीचर का रोल क्या हो जाएगा एक जेंडर को लेते हुए, टीचर का क्या नज़रिया बदल जाता है, क्या टीचर को अपने बेसिस में उनको हर चीज़ को डील करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो उसके लिए यह है कि उनको कि कैसे उनको चीज़ से फैमिलियर भी कराना होगा, क्योंकि जो स्कूल और जो पीयर्स ग्रुप होते हैं ना वो भी हर चीज़ को, क्योंकि सबसे बड़ा वाइटल वाइटल रोल प्ले करते हैं ये जेंडर सोशलाइजेशन में। सो जो जैसे अपने जेंडर सोशलाइजेशन जो एजेंट्स ऑफ जेंडर पढ़े ना, उसमें अपने जो टीचर वाला जो ग्रुप है ना वह पूरा लिख सकते हैं कि टीचर और जो टीचर के साथ स्कूल पीयर्स ग्रुप भी दिया है, तो टीचर किस तरीके से करता है कि टीचर्स एंड द पीयर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जेंडर डिफ्रेंशिएशन बाय प्रोवाइडिंग बॉयज एंड गर्ल्स विथ डिफरेंट बेयरिंग अपॉर्चुनिटी एंड फीडबैक। टीचर्स एंड पीयर्स ऑल्सो आर सोर्सेज ऑफ लर्निंग अबाउट जेंडर बिकॉज द टीचर प्रेजेंट्स करिकुलर द मटेरियल्स दैट द सर्टेन जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर एंड द पीयर एक्सिबिट जेंडर स्टीरियोटाइप एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर। कि जो टीचर क्या होता है, जब टीचर समाज में पढ़ा रहा है तो वो उसके लिए क्या होता है, कोर्स कंटेंट हर चीज़ को बताता है, ठीक है। जनरली यदि देखना, जैसे आपने कभी क्लास वगैरह ली होगी तो आप देख सकते हैं कि देखना, यदि जो मैथ्स होता है, मैथ्स का कैलकुलेशन, जैसे मैथमेटिक्स की बात आती है, ठीक है, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो एक बॉय को देखना मैथमेटिक्स की सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रेफर करेगा। आई होप आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, नहीं किया है, लेकिन टीचर ऐसा करता है, कभी कभी करता है, क्योंकि ये चीज़ है, ये छोटी सी। तो वहाँ क्या किया टीचर ने, किसको महत्व दिया, मतलब एक बॉय को, क्योंकि वो बॉय है तो स्टीरियोटाइप यहाँ शो हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद एक गर्ल है, यदि कोई मान लीजिए एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए सोशल स्टडी है, हिंदी है, तो वो क्या होता है, जैसे रीडिंग है, एक जस्ट एक जनरल वे में है रीडिंग, सबसे पहले किसको देखना, गर्ल्स को करने दी जाती है। तो देखेगा आप, तो मतलब आपको यही समझना है। तो टीचर्स जब कोर्स कंटेंट के बेसिस में, क्योंकि टीचर प्रोवाइड करा रहा है, उसका हर चीज़ वो देख रहा है, ठीक है, तो वो करिकुलर मटेरियल्स के बेसिस में भी करता है। तो ये हमारे ही ग्रुप में, हमारे ही साथ, मतलब जो हमारे साथ जो मतलब जो टीचर्स हैं और जो हमारे पीयर्स ग्रुप हैं, उनका क्या रोल है, रोल आपको बताना है। टीचर देखें वो किस वे में रोल कर रहा है वो नहीं, आपको रोल ज़रूर बताना है कि टीचर का क्या रोल है। एक एजेंट की तरह कार्य करते हैं जनरल सोशलाइजेशन में, ठीक है। तो ये है आपके आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये आप जैसे बड़े वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो 5-6 पेज लिख सकते हैं, छोटे छोटे मतलब अपने पॉइंट्स में, पॉइंट्स को डायग्राम बना के ज़रूर समझाइएगा। अब इसे लिखेंगे तो लिख के यदि आप रखेंगे तो आपको उस समय सर्च नहीं करना पड़ेगा शायद मेरे हिसाब से, है ना। तो लिख के रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, तो इस चीज़ के लिए शायद ये चीज़ें आपके काम में आए। तो ये कुछ मैंने 4 क्वेश्चन आज कुछ मैंने चेक किए हैं, शायद कि ये अपन कर सकते हैं जो है। बाकी तो अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा और सोर्स नहीं है कि जैसे देखें, ठीक है। तो चलिए अभी आप CC1 में जेंटर के शॉर्ट नोट्स भी हो गए हैं और ये आपके कुछ लॉन्ग ऐसे टाइप में क्वेश्चन है, और भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और यदि कुछ और ऐसा होता है तो उसके पहले यदि कुछ रहेगा मेरे पास तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी ना, ठीक है। बाय बाय।